इस रूप में। और कल भी किया उन्होंने। इस पर जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो चुका है वो नहीं चलने वाला है। इस देश में संसद के चुनाव अब दो ध्रुव पर ही होंगे, सेकुलर पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स। और रही बात बिहार में कांग्रेस की, पिछला लोकसभा चुनाव हमने बिना किसी तैयारी के एकाएक हमको लड़ना पड़ा था, तब भी 18 कंस्टिट्यूएंसी में हमको 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक वोट आए। दो जगह हम जीते, दो जगह हम सेकंड किए और हमारे 5 कैंडिडेट को 1 लाख से ऊपर वोट आया और कई जगह पर हम थर्ड किए। लेकिन अब पिछले 4 सालों में हमने काफी तैयारियां की हैं और हमारा जो अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है, कहीं न कहीं अगर ये हर पार्टी अलग अलग लड़ती है तो हमारे लिए वो स्थिति बड़ी आदर्श होगी और हम निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन। कांग्रेस को ये आदर्श स्थिति लग रही है अगर अकेले चुनाव लड़ा जाए बिहार में और सारी पार्टियां अगर अलग अलग लड़े तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो आदर्श स्थिति है वो बयानों में आई या वाकई इसके पीछे कोई और रणनीति है कि सारे ऑप्शन को खोल कर रखा जाए और चुनाव के बाद जिसको करीब लाने की इच्छा हो उसे लेकर आया जाए। एक बार फिर से चलते हैं जावेद महमूद साहब आपके पास। महमूद साहब, जैसा कि नीतीश कुमार के बयान का मैंने जिक्र किया था कि वो फेडरल फ्रंट या तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, फेडरल फ्रंट ममता बनर्जी के साथ चर्चा होती है, नीतीश कुमार ममता बनर्जी दोनों के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध भी बताए जाते हैं। दूसरी तरफ शरद यादव तीसरे मोर्चे के साथ लेफ्ट के दलों के साथ वो चाहते हैं, लेफ्ट के नेताओं के साथ शरद जी का बहुत व्यक्तिगत संबंध है। क्या ये माना जाए कि इस रास्ते पर शरद और नीतीश दोनों अभी अलग अलग पेज पे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दोनों अलग अलग इस पर हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं यहां बिहार के, और पार्टी बहरहाल इन दोनों के जो है निगरानी में ज्वाइंट नेतृत्व में चल रही है। और मुख्यमंत्री जी की भी सोच और शरद यादव की सोच में कोई फर्क नहीं है, दोनों की सोच जो है ये है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग ने कोई इस पर तय नहीं किया है इसलिए जो है आगे क्या होगा, या तो थर्ड फ्रंट में जाएगा जदयू या फेडरल फ्रंट में जाएगा, या क्या स्थिति होगी, या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, ये सब सारी बातें जो है नवंबर के बाद ही जो है पार्टी फोरम में ही डिस्कस होगी। क्या वो तय करने में इस इक्वेशन का भी ध्यान रखा जाएगा कि कैसे ऐसा इक्वेशन बने ताकि पीएम पद की कोई संभावना हो तो फिर नीतीश कुमार का दावा मजबूत किया जा सके वहां? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी कभी भी प्राइम मिनिस्टर के पद के दावेदार नहीं है। वो बिहार को जो है अग्रणी पंक्ति में लाना चाहते हैं, बिहार को विकास, बिहार सीएम बनना चाहते हैं, पीएम नहीं बनना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या और वो बार 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 कहते हैं नहीं बिल्कुल लायक है वो, तो फिर कहता है लायक नहीं है। लेकिन जो है पीएम वो बनना नहीं चाहते हैं, उनको बिहार उनकी सोच है कि बिहार राज्य जो है एक विकसित राज्य बने, बिहार राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले में खड़ा हो सके। देश के विकास की सोच नहीं है, क्योंकि देश का विकास अगर वो सोचेंगे तो बिहार का विकास तो अपने आप हो जाएगा। क्या वो सोच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सोच है। लेकिन अभी पहले जो बिहार जो टास्क उनको मिला है वो टास्क हमारा पार्टी का टास्क है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार का एक एक जनता, बिहार का एक एक बच्चा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए तत्पर है और उसकी ख्वाहिश है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। यहाँ पर इसलिए को समझना चाहते हैं बहुत संक्षेप में मनोज जी, क्योंकि समय बहुत कम है। जिस प्रकार से मसले अगर मुद्दों की बात करें तीसरे मोर्चे या फेडरल फ्रंट की वो नहीं, नेता की बात करें तो वो तय नहीं, ऐसे में क्या ये आकृति आकार ले पाएगी भी जैसा कि शरद और नीतीश दावा कर रहे हैं? देखिए, जनता के नजरिए से देखें तो तीसरा मोर्चा जो है राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अस्थिरता निश्चित रूप से प्रदान करेगा, क्योंकि विगत के अतीत के जो अनुभव है वो तीसरे मोर्चे का वो कतई अच्छा नहीं रहा है। जब बिल्कुल दो ध्रुवीय गठबंधनी राजनीति का जब दौर आया है तो देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। बहरहाल जो एंटी इनकम्बेंसी यूपीए के खिलाफ जो है उसको लेकर के जो है जो एनडीए जो है वो भी बहुत ऐसी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो राजनीतिक जो विश्लेषणकार हैं उन्हें ये लगता है कि तीसरे मोर्चे की सीटें बढ़ेंगी। अब ये बात ये दिलचस्प होगा कि अगर ऑप्शन हो तीसरे मोर्चे के पास कि कांग्रेस के साथ जाएं या एनडीए के साथ जाएं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ ही उनका ऑप्शन दिखेंगे। मिश्रा जी, आपसे भी 30 सेकंड में सिर्फ जानना चाहेंगे कि ये स्थिति तो आप लोगों को मुफीदी एक तरह से लग रही होगी कि चलो अगर हमारे साथ ना भी आए, मोर्चा भी बना लें, तो कल को लोकसभा चुनाव के बाद
उनमें से अधिकांश दल आपके साथ ही आएंगे? बिल्कुल, इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, इस देश में सेक्युलर विचारधारा की कई पार्टियां हैं और वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर मजबूती से आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को स्वीकार नहीं करना है। तो ऐसी जब परिस्थितियां बनेंगी तो निश्चित तौर पर नए समीकरण बन सकते हैं, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। हो सकता है मोदी के नेतृत्व में विड्रॉ करे एनडीए, परिस्थिति ऐसी आती है तो। चलिए मिश्रा जी, नया समीकरण बन सकता है। जावेद महमूद जी, मनोहर मनोज जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा सियासत किस करवट बैठने जा रहा है, बड़ा मसला यह है कि देश की जनता तय क्या करती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देश के राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि देश की जनता को यह तय करना है कि वह किसे गद्दी पर बैठाना चाहती है, किस मोर्चे को आकार देना चाहती है, किस मोर्चे की हवा निकालना चाहती है। फिलहाल बस लाइव इतना ही, लेकिन मवानी से खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बनिए महुआ रिपोर्टर, भेजें खबर और वीडियो, मेल करें mahuareporter@gmail.com। 20 साल से इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, कराची को अपना ससुराल बना के बार बार हम पे वार किए जा रहा था। बस अब और नहीं, बहस लाइव, सह प्रायोजक एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, और स्टे ऑन पावर कैप्सूल्स, नॉनस्टॉप पावर का राज। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और आप महुआ न्यूज देख रहे हैं। महुआ न्यूज, आपके हक की आवाज। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हर दम। चुन चुन के देख बाट के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए, जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। मेरा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, सब लोगों ने सहयोग दिया, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही उनका प्रेम और सौहार्द हमारे ऊपर बना रहे। मैं उन लोगों को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जन जन रहे सजग, अधिकारों की मांग करे सरकार है, आपके साथ विकास के भागीदार बने। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। हम नो चोरी चोरी, घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, देश में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। कहने पे भी कोई साथ ना चले रे, अकेले निकल पड़ो रे बंधु। ग्रुप ऑफ फ्रंटलाइन, रहो दुनिया से एक कदम आगे। व्हाट, आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला, एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट गरम मसाला के 100 ग्राम पैक में 20% एक्स्ट्रा फ्री।
अब हो गए हैं 5 करोड़ हीरो और तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है खुशियों का ये कारवां। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। सारी खबरें लगातार, हर खबर धारदार, 30 मिनट तेज तर्रार, देश प्रदेश पूरा संसार, टॉप न्यूज हर रोज शाम 5 बजे, रात 9 बजे और रात 12 बजे मकवा न्यूज पर। Powered by Rupa Frontline, रहो दुनिया से एक कदम आगे। सह प्रायोजक एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, और SBI म्यूचुअल फंड अ पार्टनर फॉर लाइफ। रांची में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की खुदकुशी से सनसनी। रविवार को 4 बेटियों समेत मानिका के डैम में लगाई थी छलांग। माँ और 2 बेटियों के शव आज हुए बरामद। सिवान के 130 मजदूरों की ओमान में फंसी जान, नौकरी देने वाली कंपनी ने बनाया बंधक। परिवार वालों के गुहार पर डीएम ने विदेश मंत्रालय को दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में प्रिंसिपल के घर फूटा, ग्रामीणों का गुस्सा, घर में घुसकर तोड़फोड़, परिवार को बनाया बंधक। पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज कर किया हालात पर काबू। बिहार में बरकरार है बाढ़ का कहर, बेलगाम पानी अब तक निगल चुका है 200 लोगों की जान। बाढ़ पीड़ितों के सामने अब खाने के भी पड़े लाले। संसद से भूमि अधिग्रहण बिल पास होने के बाद हेमंत सोरेन ने जताया एतराज। कैसे अधिग्रहण होता रहा है, ये परंपरा यूं ही चलता रहेगा, मतलब हम पुनः विस्थापित होंगे और पुनः बेरोजगार होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दिल्ली गैंगरेप के गुनहगार अक्षय की पत्नी ने पति को बताया निर्दोष। मेरे पति निर्दोष है, उन पे गलत अंजाम लगाया गया है। मेरे पास है क्या, मेरे पति ही मेरे लिए है, वो ही बंद है, तो मेरे पास और बचा ही क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। नमस्कार, टॉप न्यूज का इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र पराशर और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। अब तक ये हम खबरों के साथ शुरू करते हैं टॉप न्यूज का सिलसिला। दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषियों पर आरोप हुए तय, अब सजा के ऐलान के लिए शुरू होगी बहस। ये उन्हीं वहशी दरिंदों की तस्वीरें हैं जिन्होंने हवस के जुनून में अंधे हो 16 दिसंबर की रात हैवानियत का खेल खेलते हुए पैरामेडिकल की एक छात्रा की इज्जत को चलती बस में न सिर्फ तार तार किया बल्कि उसे बुरी तरह जख्मी कर सड़क पर फेंक दिया। राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद पूरा देश गुस्से से उबलते हुए आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करने लगा। वहीं गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझती उस लड़की ने सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद सरकार भी हरकत में आई और रेप के कानून को लेकर कई बदलाव भी किए गए। लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेलने वाले 6 आरोपियों में से एक की मौत हो गई, तो वहीं एक आरोपी को नाबालिग होने के चलते 3 साल की सजा सुना दी गई। आज इस केस में साकेत कोर्ट की ओर से भी बचे 4 आरोपियों पर आरोप तय करते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया गया। अब कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद लोगों को इंतजार है तो सिर्फ इन दोषियों की सजा के ऐलान का। कल से साकेत कोर्ट में ही सजा के ऐलान के लिए बहस शुरू होगी। वहीं देश के गृह मंत्री का ये भी कहना है कि अब कानून में संशोधन करते हुए उसे ऐसा रूप दे दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसा करने वालों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा मिले। तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी भी यशस्विता है और उसके बाद हमने जो कानून में बदलाव किए हैं अभी ये तो पिछले कानून में हो गया, अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दी जाएगी। बिहार में सांसद गुमशुदगी रिपोर्ट पर छिड़ी सियासी दार, पूर्णिया सांसद ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना।
पूर्णिया के बीजेपी सांसद उदय सिंह की गुमशुदगी संबंधी शिकायत पर सियासी नोकझोंक शुरू हो गई है। जिले में बाढ़ के बदतर हालात के बीच सांसद की गैर मौजूदगी से खीजे जेडीयू विधायक ने पिछले दिनों एसपी के पास उदय सिंह